आज के वीडियो में हम लोग ओवरलॉक मशीन की क्लीनिंग, वाइलिंग और थ्रेडिंग करना सीखेंगे और फाइनली ओवरलॉक मशीन पे हम लोग स्टिच कैसे लगाते हैं वो भी सीखेंगे। हमारे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने सेमी इंडस्ट्रियल मशीन और पिको मशीन की थ्रेडिंग और स्टिचिंग सीखी थी। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस इज सौम्या श्री एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग आज इस ओवरलॉक मशीन की वाइलिंग और थ्रेडिंग करेंगे। तो ये काफ़ी गंदा हो रखा है तो इसको हम लोग ब्रश से इसकी जो भी कचरा वचरा रहेगा उसको निकाल लेंगे। देखिए हमारा सफाई अब पूरी तरह से हो गया है। अब हम इसकी वाइलिंग करेंगे। तो वाइलिंग शुरू करेंगे हम लोग टॉप से। देखिए यहाँ पे सैंबल भी बना हुआ रहता है कि यहाँ यहाँ से वाइलिंग होगा। पहले ये सब जगह पे हम लोग डाल लेंगे, फिर ये जो नॉर्मल मशीन रहता है वो फ्रंट की तरफ ऐसे रोल करने पे चलता है, लेकिन ये बैक बार डायरेक्शन में ये चलता है। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से मूव करके देखेंगे और जहाँ जहाँ पे भी फ्रिक्शन होगा वहाँ वहाँ पे हम लोग वाइलिंग करेंगे। ये यहाँ पे टेंशन है तो यहाँ पे भी हम लोग वाइलिंग करेंगे। देखिए इसको ऐसे करके इसमें भी डाल देंगे। देखिए जहाँ जहाँ भी फ्रिक्शन होगा, मूव करता है, वहाँ वहाँ हम लोग ऐसे घुमा घुमा के देख लेंगे अगर नहीं समझ में आता है तो, और वहाँ वहाँ वाइलिंग करेंगे हम लोग। नीडल को अंदर करके थोड़ा सा नीडल में भी डाल देंगे ताकि वो अंदर चला जाएगा। अब आते हैं इधर की तरफ। अब यहाँ पे भी जहाँ जहाँ मूव करेगा वहाँ वहाँ हम लोग डाल देंगे। देखिए यहाँ पे भी आ रहा है तो यहाँ ऊपर की तरफ से हम लोग वाइलिंग कर देंगे। इन सब जगहों पे भी हम लोग तेल डाल लेंगे। पीछे देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ भी डालेंगे। और एक बूंद हम लोग इसमें भी डाल देंगे। देखिए यहाँ भी जहाँ जहाँ मूव करता है वहाँ वहाँ हर जगह पे हम लोग वाइलिंग करेंगे। यहाँ व्हील के पास कर लेंगे।
हमारा अब मशीन में वॉइलिंग हो गया है। वॉइलिंग के बाद अगर कहीं पे तेल गिरा हुआ रहेगा तो उसकी सफाई कर लेंगे, नहीं तो फिर ये है हमारा कपड़े में लगना शुरू हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा जो भी तेल रहेगा उसको हटा लेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें।